हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो वह शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले बच्चे एकदम से फोकस कर रहे हैं स्टडी के अंदर कि भाई फिजिकल का भी गेस्ट पेपर आ जाए तो हम इम्पोर्टेंट कर लें। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने फिजिकल का जो गेस्ट पेपर है वो लेके आऊँ। और मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास नोट्स मटेरियल नहीं है तो आप मेरे से संपर्क कीजिए जल्दी से जल्दी, और नोट्स मटेरियल लो और अच्छी पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लेके हो। ये नंबर अपने 90 57 70 15 45 सभी बच्चे हैं जो नोट्स ले रहे हैं, ठीक है? और हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट देंगे आपको। तो इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना इस सिलेबस का पूरे का, तो मैं निकाल के एकदम से निचोड़ आपके सामने रखने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके लिए मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन 99% है जो आने की संभावना है। तो कृपया करके ध्यान से इसको देखिए और नोट करें और तैयारी कर लें एग्ज़ाम से पहले। क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को हो सके तो सारा का सारा गेस्ट पेपर पहले मिल जाए तो आपको टाइम मिल जाएगी एग्ज़ाम में अच्छी प्रिपरेशन के लिए, इसलिए मैंने गेस्ट पेपर बना दिया। तो ये तीसरा अपना गेस्ट पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है? तो ये सिलेबस है जिसमें मैं बता देता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो क्वांटम केमिस्ट्री में ये टॉपिक्स हैं, इनको मैं रीड आउट नहीं करूँगा क्योंकि मैं रीड आउट करके ही इनके क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है जी? अब आ जाओ अपने गेस्ट पेपर के अंदर। तो ये है अपना फिजिकल केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर, फिजिकल केमिस्ट्री 2024 का। और इसमें पहला क्वेश्चन यूनिट वेस्ट का क्या है कि भाई डिस्कस है सॉल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द रिजिड रोटेटर। यहाँ पे जो श्रोडिंगर इक्वेशन बतानी है वो किसके लिए बतानी है? रिजिड रोटेटर के लिए, ठीक है? श्रोडिंगर इक्वेशन आनी चाहिए एक तो 1D बॉक्स 3D बॉक्स, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, 1D बॉक्स और 3D बॉक्स, और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है रिजिड रोटेटर। लेकिन आप कंप्लीटली इनको साथ साथ में वो भी देख लेना, ठीक है? ये मैंने बता दिया है। अब इनके आगे नेक्स्ट जो पॉइंट का जो क्वेश्चन है वो है अपने पोस्टुलेट कि भाई कितने, कम से कम 9 पोस्टुलेट है तो वो कम्प्लीटली आपको तैयार करना है और इनको अंदर लिख के आना है। उसके बाद में जो वेरिएशन थ्योरम है वो बताना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो अगला जो है अपना क्वेश्चन वो कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन में आपको उसके ऊपर नोट लिखना है आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू, ठीक है? और किसके लिए? एंगुलर मोमेंटम वाली के लिए। तो यहाँ पे कम्प्लीटली तैयार कर लो इस क्वेश्चन को। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो है एंटी सिमेट्री एंड पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोला मैंने? एंटी सिमेट्री और पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो हर बार हर यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इतने मेरे पास जो सिलेबस आता है उनमें से ये क्वेश्चन आ ही जाता है घुमा फिरा के। अब नेक्स्ट अपना वो कौन सा है वो देखो, नेक्स्ट अपना है अकल थ्योरी, ठीक है? कंजुगेटेड सिस्टम टेकिंग फॉर एग्जांपल ब्यूटाडाइन के। तो यहाँ पे जो ब्यूटाडाइन है उनके लिए कंजुगेटेड जो सिस्टम है उसकी पूरी की पूरी हकल थ्योरी को समझा देना है एग्जांपल सहित, ये इम्पोर्टेंट है आपका। अब जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो देख लो, थर्ड क्वेश्चन है अपना MOTC रिलेटेड, इसमें 1,3-ब्यूटाडाइन की बतानी है जी आपको, उसके बाद में साइक्लोब्यूटाडाइन की। तो ये यहाँ पर मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट यूनिट की वो सारे के सारे बता दिए। अब तो लाइक कर दो यार, इतनी देर से अभी तक ऐसे देख रहे हो, लाइक तो कर दिया करो, ठीक है? और कमेंट कर दिया करो प्यारा सा अच्छा सा कि सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करना आपको। उसके बाद देखो राइट नोट्स ऑन पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, सेकेंड यूनिट का जो है अपना पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में क्या है, एक्सेस फंक्शंस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना व्हाट इज क्वांटम। तो भाई क्वांटम स्टैटिक्स क्या होते हैं पहले तो ये बता दो अच्छी तरीके से अगले को। उसके बाद में बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स अब वो बता देना है। मैं देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन साथ में लेके जाए, एक तो बोस वाला हो जाएगा, एक फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स हो जाएगा, एक मैक्स वाल्टम, यानी एक किन किन की बात हो रही है, एक तो बोस वाला स्टैटिक्स कर लेना, एक अपना फर्मी, ठीक है? एक अपना वोल्ट वाल मैक्स वोल्ट जमान वाला, इतने कर लेना, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 200% आएगा आपके एग्जाम में, कितने? 200%।
उसके बाद में डिस्क्राइब एनी वन मेथड ओवर डिटरमिनेशन ऑफ फिगरेंट एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो एक मेथड से इसको बताना है वैसे ओवर क्या यार, बता दोगे ना? अरे बता दोगे, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, प्यारे प्यारे, क्यूट क्यूट। उसके बाद मेरे को कैनोनिकल एंड ग्राउंड कैनोनिकल माइक्रो कैनोनिकल इसके ऊपर एक नोट लिख के आ जाना है। 200% दूंगा मैं इसको और एग्ज़ाम में आएगा भैया, आएगा पक्का आएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी वाले सुन रहे हो ना? हाँ। उसके बाद में देखो डिस्कस द काइनेटिक साल्ट इफेक्ट, तो आपको साल्ट इफेक्ट बताना है काइनेटिक का, वो बता दो डिटेल से। उसके बाद में राइट ऑन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन कोलिजन थ्योरी, कौन सी थ्योरी बताई है हम कोलिजन थ्योरी? तो भैया कम्प्लीटली तैयार कर लो, कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो देख लो कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक्सप्लेन रिएक्शन। तो भाई रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है किसकी, काइनेटिक ऑफ पायरोलाइसिस ऑफ एसीटीएल्डिहाइड, किसके लिए, एसीटीएल्डिहाइड के लिए। उसके बाद डिस्कस है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रेट लॉ, तो वहाँ पे आपको परिभाषित करना है आर्नियस इक्वेशन को, साथ में नियम बता देना है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्नियस इक्वेशन, ओके। उसके बाद दसवां क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है, डिफाइन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। उसके बाद में चौथी यूनिट की देख लो भाई जल्दी जल्दी। उसके बाद कैपिलरी रिएक्शन, कौन सी कैपिलरी रिएक्शन। उसके बाद लैपलेसी इक्वेशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, लैपलेसी, सुन रहे हो कान से, लैपलेसी इक्वेशन। उसके बाद मॉलिकुलर मास ऑफ माइक्रो मॉलिकुलर इट इज डिटरमिनेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों इक्वेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है अपना एक्सप्लेन द फॉलोइंग बी ई टी इक्वेशन, वेरी मेन, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, ज़बरदस्त आग लगा देगा ये एग्ज़ाम में, देख लेना। अब भी पढ़ के चले जाओ, फिर करके आओगे ना जब याद करोगे, जय हो कृष्णा केमिस्ट्री वाले कृष्णा सर की जय, कि आज हमें ये क्वेश्चन बता दिए, हमें तैयारी करने को मिल गए। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर, बिल्कुल। उसके बाद व्हाट इज आइसोथर्म, कि भाई आइसोथर्म क्या होता है वो बताओ, एक्सप्लेन गिव्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सप्लेन सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब पाँचवीं यूनिट के अंदर देख लो कौन कौन से हैं, पहला जो है अपना बटलर वॉल्यूमर इक्वेशन, इसके बाद हाफ वेव पोटेंशियल इट इज सिग्निफिकेंस, क्या इनके सिग्निफिकेंस होते हैं बताओ। उसके बाद में क्या है डेराइव ऑन डी बाई हिकल ऑन सगर इक्वेशन, और इसके ट्रीटमेंट वगैरह बता देना है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लिपमैन इक्वेशन, कौन सी लिपमैन इक्वेशन। उसके बाद राइट नोट्स ऑन पोलरोग्राफी, तो यहाँ पे नोट्स लिखना है पोलरोग्राफी पे अच्छी तरीके से, आइकोवाइक इक्वेशन टेफेल्ट प्लॉट। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वो अपना ये है डिस्कस द थ्योरी ऑफ डबल लेयर, कौन सी डबल लेयर सेमीकंडक्टर सॉरी इंटरफेस। तो ये देखो मैंने पूरा का पूरा आपको गेस पेपर है यहाँ पे दे दिया है, अब एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो, और नोट्स चाहिए तो संपर्क करो 90 57 70 15 45, ठीक है, तो ये नंबर है। अरे अच्छी तरीके से तैयारी कर लो, कमेंट करके बताओ अगला पेपर कौन सा बनाया जाए, और अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।